हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आओ क्या, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। खड़ा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वो X50 Pro का बॉक्स आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा बॉक्स है। और ये रहा आपका मोबाइल, इसकी फर्स्ट लुक, जहाँ पे आपको वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बॉक्स ओपन हो चुका है, ये रहा आपका मोबाइल। इसको रखते हैं साइड पे और बात करते हैं इसके अंदर एक्सेसरीज की। ये है इसका ट्रांसपेरेंट बैक केस, ये है इसकी सिम इजेक्टर टूल, और ये है एक 35 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि आपके मोबाइल को काफी क्विकली चार्ज करने में मदद देगा। ये रही इसकी चार्जिंग केबल, और बाकी एक्सेसरीज में आपको इसकी एक हैंड फ्री देखने को मिलेगी, जो कि काफी खूबसूरत डिजाइन में आती है। दोस्तों, लुक्स वाइज और डिजाइन वाइज तो ये मोबाइल काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक कैमरा फोन है, जहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये दुनिया का पहला ऐसा मोबाइल है जिसके कैमराज में आपको गिम्बल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। बात करें अगर कैमराज की, तो इसकी बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और कैमराज के नीचे ही आपको LED फ्लैश देखने को मिलती है। यहाँ पे फर्स्ट जो आपको कैमरा नजर आ रहा है, वो इसका मेन कैमरा है, जो कि 48 मेगापिक्सल का है, जहाँ पे सोनी IMX598 वाला सेंसर लगाया गया है। यहाँ पे जो दूसरा कैमरा आपको नजर आ रहा है, वो 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया गया है, जो कि पोर्ट्रेट शॉट लेने में आपको मदद देगा। वहीं अगर हम तीसरे कैमरे की बात करें, तो ये एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिससे आप अल्ट्रा वाइड एंगल से फोटो शूट कर सकेंगे। और आखिरी कैमरा जो यहाँ पर लगाया गया है, वो 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। ओवरऑल अगर बात करें, तो दोस्तों ये एक कैमरा फोन है जिससे आप काफी अच्छी फोटोज को कैप्चर कर सकेंगे, वीडियोस बना सकेंगे। तो ये कैमरा लवर्स के लिए एक गिफ्ट साबित होगा, और उम्मीद करता हूँ कि कैमरा लवर्स इसे परचेज भी करेंगे। और ये कैमराज आपको काफी अच्छी क्वालिटी की पिक्स मुहैया करने वाले हैं, तो इंतजार कीजिएगा इसकी लॉन्च डेट का। मोबाइल के निचले हिस्से में आपको स्पीकर ग्रिल्स, चार्जिंग पोर्ट, मैक और सिम ट्रे देखने को मिलता है। सिम ट्रे को चार्जिंग पोर्ट के साथ ही लगाया गया है। ऊपर वाले हिस्से में आपको एक नॉइज कैंसलेशन मैक देखने को मिलता है, और बॉडी इसकी काफी खूबसूरत दिख रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी बॉडी डिजाइनिंग को काफी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है। अब चलते हैं मोबाइल को बूट करते हैं। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये 6.65 इंच का फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन के साथ डिस्प्ले आता है। ये कर्व्ड स्क्रीन है, जिसका डिस्प्ले रेशियो 90 GHz है, और ये एंड्रॉइड 10 सपोर्टेड है। क्योंकि ये एक कैमरा फोन है, तो यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, और यहाँ फ्रंट साइड पे भी आपको एक 32 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले वाला कैमरा आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपकी सेल्फीज भी काफ़ी बेहतर होने वाली हैं, जो कि पिछले मॉडल्स में थी। वीवो कह रहा है कि इस मॉडल में हमने बेहतरी की कोशिश की है। यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है, वो 4315 mAh का एक बड़ा बैटरी बैकअप है, जिससे आपको गेमिंग खेलने में कोई मसला दरकार नहीं होगा। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G वाला प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि ये भी अगेन एक गेमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और यहाँ पे जो GPU है, वो एड्रेनो 620 है। चाइना में इसके दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। पहला वेरिएंट जो है, वो 8GB 128GB है, और जो दूसरा वेरिएंट है 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। इस मोबाइल के बारे में पूछनी हो तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ नाच के पागल हो, या पागल होके नाचो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।